केजरीवाल सरकार ने आम लोगों को नए साल के मौके पर जोर का झटका दिया है। केजरीवाल सरकार ने पानी की दरों में 20% तक का इजाफा किया है। कीमतें बढ़ाने का ये फैसला केजरीवाल की अगुवाई वाले दिल्ली जल बोर्ड ने लिया। हालांकि जो लोग प्रति माह 20,000 लीटर तक पानी इस्तेमाल करते हैं उन पर यह फैसला लागू नहीं होगा, यानी उन्हें पानी मुफ्त ही मिलेगा। लेकिन केजरीवाल सरकार का ये दोहरा रवैया विपक्ष को पसंद नहीं आया है। कांग्रेस और बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। तो इनको तो अब वो 20,000 लीटर वाली कैटेगरी बढ़ानी चाहिए थी, अब ये रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि किसी एक से ज्यादा लेंगे, किसी को कम देंगे, किसी को फ्री पानी देंगे, किसी से 20% ज्यादा लेंगे। इसका मतलब है आप डिपार्टमेंट ठीक तरह नहीं चला पा रहे। दिल्ली जल बोर्ड के इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों को सस्ती बिजली और फ्री पानी देने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद अपने इसी वादे को पूरा करते हुए केजरीवाल सरकार ने 20,000 लीटर तक पानी के इस्तेमाल को मुफ्त कर दिया था। लेकिन पानी की कीमतों के इजाफे के बाद विपक्ष सवाल उठाने लगा है कि क्या केजरीवाल सरकार घाटे की भरपाई पानी की कीमतें बढ़ाकर वसूल करना चाहती है। केजरीवाल सरकार में जल मंत्री रहे कपिल मिश्रा ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, दिल्ली सरकार ने पानी का दाम बढ़ाने का फैसला किया है, ये दिल्ली वालों के साथ धोखा है। उन्होंने दाम न बढ़ाने का वादा किया था। ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है, फरेब है। और मैं कहूंगा जो लोग बिजली हाफ और पानी माफ, यानी कि दिल्ली की जनता को मुफ्त पानी मिलेगा और वहीं आप पानी के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, 20% एक साथ आपने बढ़ाए। 20,000 का आप क्या लोगों को एक लॉलीपॉप देने की बात कर रहे हैं, कितने लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। ये पहला मौका होगा जब केजरीवाल सरकार के दौर में पानी की कीमतें बढ़ेंगी। इस फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी 2018 से पानी के दाम बढ़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।